दक्षिणी दिल्ली तुगलकाबाद विधानसभा में पुल प्रहलादपुर जीसी ब्लॉक में लगभग 4 महीने पहले नालियों और सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हुआ। अब रोड और नालियां 4 महीने से खुदी पड़ी हैं, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदार की तानाशाही और उनकी मिलीभगत से आज तक यह काम अधर में ही लटका हुआ है। अच्छा भला रोड खोद डाला है। मिस्टर मंगला जी, वो अपनी कह गए कि जैसे तेरे मन में हो वैसे रोड डाल के चला जा। जो हमारी 1.5 फुट गहरी नाली थी, उनके लिए हमने ऑब्जेक्शन उठाया, भाई ये तोड़ क्यों रहा है? तो कहता इसको हम मतलब 1.5 फुट चौड़ी करेंगे तो नाली का निकास हो जाएगा। बल्कि मलबा उठाने की बजाय और मलबा डाल दिया, 1.5 फुट मतलब रोड ऊंची उठ रही है। उस नाली का निकास निकालने के लिए 4-4 इंच की नाली बना दी गहराई की, उसमें पानी घरों का तो निकलना दूर की बरसात का दूर की बात है, घरों का पानी भी नहीं निकल रहा पूरा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली और सड़कें बनानी तो दूर, पहले से जो चौड़ी नालियां थी उन्हें तोड़कर छोटा और सकरा किया जा रहा है, जिससे अभी गंदे पानी की निकासी की समस्या आ रही है। तो बरसात के समय तो गंदे पानी की निकासी एक बड़ी समस्या बन जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस समस्या की लिखित में शिकायत भी कर रखी थी। सन जो अनिल गुप्ता जी हैं, उनको सूचना तो उनको भी दिया गया, फोन पे पहले बात हुई, वो फोन ही कहते कहते सेजवाल जी हैं यही उनसे बात करो, जबकि सेजवाल जी आते हैं देख के चले, कहते हैं हम अपने मुताबिक रोड डालेंगे, जबकि MCD रूल के अनुसार पुरानी रोड तोड़ के उनको खत्म करके फिर उसके बाद में रोड डालनी है। ये समस्या है गांव, और 8 महीने हो गए, फरवरी में इसका उद्घाटन हुआ था, 4 महीने बिल्कुल तोड़ के डाल दी, अभी तक तो इसमें मतलब आप अगर जिस टाइम कंप्लेंट करी थी आज से 1 तारीख को, उस टाइम आगे देखते इसमें डेंगू का इनके ऊपर केस होल्ड लगा रहे थे पुलिस वाले कि डेंगू का और मलेरिया का, इस वजह से इन्होंने जल्दी जल्दी में मलबा उठाया और मलबा इसी के ऊपर डाल के और ऊंचा मतलब रोड मतलब उठा रहे हैं। अब ये 1.5 फुट ऊंची रोड आ जाएगी, कईयों के मकान दब जाएंगे और कईयों के और हो जाएगा। जब अगर इसी को रखना था ना पानी का निकास किया ना कुछ, बरसात में पूरी पानी रोड लबालब हो जाएगी। लेकिन अभी तक ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौड़ी नालियों को तोड़कर छोटी और सकरी करके ठेकेदार पैसा बचा रहा है, इसमें अधिकारियों और ठेकेदार मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए।